नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज पर। प्रयागराज शहर में हुए उमेशपाल हत्याकांड का एक सीसीटीवी फुटेज और आज आया सामने। प्रयागराज शहर के सुलेमसराय में हुए 24 फरवरी को उमेशपाल और दो सिपाहियों के हत्याकांड का एक सीसीटीवी फुटेज और सामने आया है, जिसमें आरोपी उमेशपाल को दौड़ाकर मारते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही परिवार के कुछ सदस्य भी भागते नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में अवैध असलाहों के साथ बनाई रील, झूंसी इलाके में तमंचा पिस्टल लहराते दो और लड़कों के वीडियो आए सामने। प्रयागराज में दो दिन पहले झूंसी थाना अंतर्गत मलाक बुजुर्ग गांव के नफीस के बेटे का तमंचा और पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल हुआ था। अब दो और नए वीडियो और फोटो सामने आए हैं, जिसमें तमंचा और पिस्टल लहराते हुए लड़के दिख रहे हैं। ये दोनों वीडियो भी झूंसी इलाके के ही बताए जा रहे हैं। बुजुर्ग गांव के लोगों का दावा है कि सब कुछ जानने के बावजूद गांव की ही गुमनाम गलियों में अपना आतंक फैलाने वाले इन लड़कों पर अंकुश पुलिस नहीं लगा पा रही है, जो अपराध करते हुए अपना वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। यदि पुलिस सोशल मीडिया के इन वीडियो को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करे तो गली मोहल्लों में अपराधियों की इतनी वृद्धि न हो। झूंसी थाना क्षेत्र के मलावा बुजुर्ग व आसपास के अन्य गाँव के कुछ होनहार अपनी करतूत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि झूंसी पुलिस तक इसकी शिकायत भी पहुंचाई गई, लेकिन पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। रील में हीरो बनने वाले ये लड़के देखते ही देखते असल जिंदगी में कहीं आपराधिक दुनिया के हीरो न बन जाएं। प्रयागराज के सिविल लाइन्स थाना अंतर्गत दुकान से मोबाइल चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज आज आया सामने। प्रयागराज शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कॉफी हाउस के बगल एक मोबाइल शॉप का सीसीटीवी फुटेज आज सामने आया है, जिसमें एक युवक टहलता हुआ आता है और थोड़ी देर के बाद झुककर काउंटर से मोबाइल उठाकर चला जाता है। आज दुकान के मालिक ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो युवक मोबाइल चोरी करते साफ नजर आता है, जिसके आधार पर सिविल लाइन थाने में मोबाइल चोरी की FIR दर्ज करा दी गई। पुलिस अब चोरी कर रहे युवक को पकड़ने की बात कह रही है। ये सीसीटीवी फुटेज 13 मार्च का बताया जा रहा है। कैनल क्लब करेगा माफिया अतीक अहमद के कुत्तों की देखभाल, पर्याप्त भोजन और पानी न मिलने से हो गए हैं बीमार। उमेशपाल मर्डर केस में माफिया अतीक अहमद के पूरे कुनबे पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से शाहिस्ता परवीन भी फरार हैं। अतीक अहमद भाई अशरफ, बेटे उमर व अली जेल में बंद हैं, तो दो नाबालिग बेटे इजम और आबान बाल सुधार गृह में बताए जा रहे हैं। ऐसे में ग्रेट डेन नस्ल के कुत्तों की देखभाल करने वाला कोई नहीं रह गया था। अभी हाल ही में ग्रेट डेन नस्ल के कुत्ते ब्रूनो की भूख से मौत हो गई थी। ऐसे में अतीक के खूंखार कुत्तों की देखभाल का जिम्मा कैनल क्लब ने लिया है। कैनल क्लब ने कुत्तों की देखभाल के लिए नगर निगम के सामने प्रस्ताव रखा था। क्लब के सचिव मोहम्मद रियाज ने आज बताया है कि तीनों कुत्ते चकिया में ही रहेंगे, वहीं पर रखकर क्लब कुत्तों को डॉग फूड और पानी उपलब्ध कराएगा। नगर निगम के पशुधन अधिकारी डॉक्टर विजय अमृत राज ने बताया है कि उच्च अधिकारियों की अनुमति से कुत्तों की देखभाल की जिम्मेदारी कैनल क्लब को सौंप दी गई है। प्रयागराज शहर में बिजली विभाग के संविदा कर्मियों की हड़ताल आज भी जारी, सब स्टेशनों पर पसरा रहा सन्नाटा।
प्रयागराज शहर में आज भी बिजली विभाग के संविदा कर्मियों की हड़ताल जारी है। ऐसे में विद्युत विभाग के सभी स्टेशनों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी अनहोनी के मद्देनजर पुलिस के जवानों की तैनाती बिजली विभाग के सभी स्टेशनों के बाहर कर दी गई है। आपको बता दें कि बिजली विभाग के संविदा कर्मी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर जॉर्जटाउन पावर हाउस पर कल से धरने पर हैं। अपनी मुख्य मांगे जैसे संविदा कर्मियों को परमानेंट करने तथा सामान कार्य समान वेतन आदि को लेकर कल से 72 घंटे की हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल कल के बाद खत्म होने की संभावना है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से हाईकोर्ट में बेटों को लेकर की गई याचिका की अगली सुनवाई होगी 23 मार्च को। बाहुबली सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपने दोनों बेटों इज़म और आबान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने उनके दोनों नाबालिग बेटों को हिरासत में लेकर कहाँ रखा है किसी को पता नहीं है। कोर्ट में सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट में कहा है कि मामला मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी के यहाँ लंबित है, ऐसे में ये याचिका सुनने योग्य पोषणीय नहीं है। मामले की सुनवाई जस्टिस बी के बिरला व जस्टिस सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ कर रही है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च नियत की है। करण याचिका न्याय कक्ष 45 में, जिसमें श्री वी के बिरला और माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेंद्र सिंह जी की पीठ थी के समक्ष बहस किया। एक, श्री अतीक अहमद भूतपूर्व सांसद व विधायक के द्वय अवश्य पुत्रों के संबंध में था, जिस पर शासन की ओर से अपर महाधिवक्ता द्वारा यह आपत्ति की गई कि धारा 97 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन पत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दिया गया है, वो वहाँ पर लंबित है, ऐसी दशा एवं परिस्थिति में याचिका पोषणीय नहीं है। इस पर बहस सुनने के लिए 23 मार्च सन 2023 की तिथि नियत कर दी गई। बाहुबली पूर्व विधायक अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा व अशरफ की बहन आयशा नूरी को ज़बरदस्ती हिरासत में लिए जाने के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में अशरफ की पत्नी व बहन को देर रात तक पुरुष पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने को लेकर याचिका की गई है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने अशरफ की पत्नी, बहन और भांजी का धारा 151 में चालान कर दिया था तथा बाद में पुलिस ने अशरफ की पत्नी, बहन व भांजी को मुचलके पे छोड़ भी दिया था। कोर्ट में आज पुलिस की तरफ से अपर महाधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, क्योंकि तीनों लोगों को जमानत पर छोड़ दिया गया इसलिए याचिका पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने इस मामले पर अपर महाधिवक्ता से लिखित जवाब मांगा है। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस बी के बिरला व जस्टिस सुरेंद्र सिंह की बेंच कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। अशरफ भूतपूर्व विधायक की पत्नी, उनकी बहन व उनकी भांजी की ओर से प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्हें जबरदस्ती उनके घर से रात में गिरफ्तार किया गया और कई दिन तक उन्हें निरुद्ध रखा। कालांतर में उन्हें 151 में गिरफ्तारी दिखा करके दंड प्रक्रिया संहिता की जमानत पर छोड़ दिया। ऐसी दशा ऐसी परिस्थिति में विद्वान अपर महाधिवक्ता महोदय ने यह है आपत्ति किया कि क्योंकि जमानत पर छोड़ दिए गए हैं, ऐसी दशा ऐसी परिस्थिति में यह याचिका पोषणीय नहीं है, जिस पर कानूनी बिंदु पर व्यवस्थाएं व लिखित सूक्ष्म तथ्य देने के लिए न्यायालय ने आदेशित किया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के अंतर्गत हस्ताक्षरित MOU की प्रगति के संबंध में बैठक हुई संपन्न। प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में आज संगम सभागार में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के अंतर्गत हस्ताक्षरित MOU की प्रगति के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को अपने निवेशकों उद्यमियों की समस्याओं को चिन्हित कर त्वरित रूप से उसका निस्तारण समाधान करने का प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रदूषण, श्रम, विद्युत, सुरक्षा, अग्निशमन, भूगर्भ जल, खाद एवं औद्योगिक प्रशासन, GST और फर्म सोसाइटी आदि विभागों के अधिकारियों को उनके विभाग से संबंधित अनापत्ति लाइसेंस सहमति को समय पर देने के लिए निर्देशित किया है।
उन्होंने कहा कि अनापत्ति लाइसेंस सहमति के प्राप्ति हेतु उद्यमियों और निवेशकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। अनापत्ति निर्गत करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या बिना किसी कारण के प्रत्यावली में लंबित होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में निकाली गई भगत सिंह जन अधिकार यात्रा, महंगाई, शिक्षा जैसे 5 मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरा छात्र संगठन। प्रयागराज शहर में आज दिशा छात्र संगठन द्वारा भगत सिंह जन अधिकार यात्रा निकाली गई, जिसमें छात्रों ने हाथों में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों की तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। जन अधिकार यात्रा कचहरी से होते हुए नेत्राम चौराहे से इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंची। यहां छात्र संघ भवन पर छात्रों ने नुक्कड़ सभा से अपने मुद्दों को लोगों तक पहुँचाया। इसके बाद बैंक रोड से होते हुए सेंट्रल लाइब्रेरी जाकर जन अधिकार यात्रा का समापन हो गया। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।